कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे श्रीमद् भागवतम श्रवण कर रहे हैं
श्रीमद् भागवतम का छठा स्कंद में जो भगवान का नाम के बारे में जो बताया गया है, नाम के महात्म्य के बारे में हम सुन रहे हैं। ये जो छठा स्कंद हम सुन रहे हैं, हम सबको ये पता होना चाहिए, सबको ये जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि भागवतम में सभी को तो ये मालूम है कि द्वादश स्कंद है, बारह स्कंद है, और हर एक स्कंद में बहुत सारा अध्याय भी है, चैप्टर भी है। ऐसे श्रीमद् भागवतम में 335 अध्याय है टोटल चैप्टर, और ये जो द्वादश स्कंद तक जो श्रीमद् भागवतम का संपूर्ण वर्णन है, ये द्वादश स्कंद में से हम छठा स्कंद चर्चा कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में 10 वस्तु के बारे में बताया गया है। हम सबको ये तो जानकारी नहीं है, जो भागवतम स्वाध्याय करेंगे, पाठ करेंगे, उनको ये पता चल जाएगा 10 वस्तु क्या है, मतलब 10 तत्वों के बारे में श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। पता है किसको क्या तत्व है? 10 तत्व है श्रीमद् भागवतम में, 10 तत्वों के बारे में बताया गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो छठा स्कंद हम श्रवण कर रहे हैं, ये भी एक तत्व पर ही आधारित है। कौन सा तत्व? इस छठा स्कंद को कहा जाता है पोषण तत्व। क्या है पोषण? पोषण का अर्थ क्या है? जैसे हम अपने बाल बच्चों के पालन पोषण करते हैं, पोषण मतलब उनको पालना, पोषना, देखभाल करना, तो ये छठा स्कंद ऐसा है पोषण। ये हम सबको मालूम होना चाहिए। भागवतम में 10 तत्वों के बारे में बताया गया है। ये तत्वों के बारे में हमको भागवतम से ही जानकारी मिलता है। क्या क्या तत्व है? अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थान पोषण उदय मनन्द्र ईशानुगथा निरोध मुक्ति आश्रय। यह 10 तत्व, ये तो श्लोक में बताया गया है। क्या है 10 तत्व? पहला है सर्ग, दूसरा है विसर्ग, तीसरा है स्थान, चौथा है पोषण, पांचवा है पुति, छठा है मन्नंतर, सातवां है ईशानुगथा, आठवां है निरोध, नौवां है मुक्ति, दसवां है आश्रय। याद रहा किसका? तो ये 10 तत्वों के बारे में श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनंत्र ईशानुगथा निरोध मुक्ति आश्रय। तो इसके बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो बहुत समय चला जाएगा। कम से कम ये हमको पता होना चाहिए, ये जो छठा स्कंद हम सुन रहे हैं, ये जो चर्चा चल रहा है, ये छठा स्कंद को कहा जाता है पोषण तत्व। पोषण तत्व का मतलब क्या है? श्रीपद श्रीधर स्वामी जो श्रीमद् भागवतम के पहले आचार्य हैं, पहले टीका किए हैं, उन्होंने पोषण के शब्द को भी, ये शब्द को भी उन्होंने लिखा। पोषण क्या है? पोषण के बारे में वो बता रहे हैं, अति मर्यादा लंघितम भक्त रक्षण लक्षण इति पोषण। अति मर्यादा लंघितम मतलब भगवान अपनी मर्यादा को भी छोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं। क्यों? भक्तों के लिए। भक्त रक्षण लक्षणम इति पोषणम, भक्तों को सुरक्षा देने के लिए, भक्तों को रक्षा करने के लिए भगवान अपनी मर्यादा को भी छोड़ देते हैं। ये हो सकता है हम किसी के लिए मर्यादा, अगर ऐसा देखा जाता है, अगर हम किसी के लिए कुछ भी मर्यादा का अगर हम छोड़ रहे हैं या तोड़ रहे हैं, तो इससे ये पता चलता है कि हम उस आदमी, जिस आदमी के लिए ये तोड़ रहे हैं, वो हमारा उतना प्रिय है कि नहीं, इसलिए हम कुछ मर्यादा को हम तोड़ देते हैं, है कि नहीं। तो भगवान भी अपने भक्तों के लिए सब मर्यादा छोड़ सकते हैं। देखा गया है, बहुत सारा प्रमाण ऐसा है, बहुत सारा लीला ऐसा है। तो ये छठा स्कंद ऐसा है पोषण तत्व, मतलब भगवान कैसे अपने भक्तों को पालन करते हैं, पोषण करते हैं। तो इससे ये भी हमको पता चलता है कि भगवान भक्तों की क्या बोलते हैं, बुराई या कुछ गलती ये नहीं देखते हैं, बस एक ही चीज देखते हैं, भक्त मेरे ऊपर कितना समर्पित है,
एक क्या बोलते हैं, एक जीव अगर समर्पित हो जाता है तो जिसके ऊपर वो समर्पित हो जाता है उनका उस जीव पर क्या आता है, आशीर्वाद आ जाता है कि नहीं। जैसे कि हम देखते हैं बच्चे लोग अपने पिता माता के ऊपर समर्पित हो जाते हैं, पिता माता उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, है कि नहीं। सब कुछ करते हैं, तैयार नहीं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर वो आश्रित है ना, उनके ऊपर वो समर्पित है ना। जब बच्चे लोग पिता माता के ऊपर समर्पित हो जाते हैं तो ये साधारण पिता माता अगर ऐसा कर सकते हैं तो जरा सोचिए, वो तो जगत पिता है, वो कैसा कर सकते हैं, ये तो सोचने वाली बात है ना। ये है पोषण, इसलिए तो भगवान बार बार कहते हैं कि मेरे पास आ जाओ, मेरे भक्त बन जाओ। तो ये पोषण तत्व, ये छठा स्कंद जो हम सुन रहे हैं, हालांकि हम अभी तक जो सुन रहे थे इसके बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए। परीक्षित महाराज जो पूछ रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं, मैं द्वितीय स्कंद में ये बात सुना, निवृत्ति मार्ग तृतीय स्कंद में प्रवृत्ति मार्ग के बारे में सुना, चौथा और पांचवा स्कंद में सृष्टि के बारे में सुना, और प्रियव्रत उत्तमपाद ये सब चरित्र के बारे में सुना। पांचवा स्कंद में सृष्टि का क्या रहस्य है, किधर क्या है, कैसा द्वीप है, कैसा वर्ष है, कैसा समुद्र, नदी, उद्यान, वनस्पति, ये सब के बारे में आपने बताया। लेकिन पांचवा स्कंद में अंतिम में आपने जो बात बताया कि जीव अगर पाप करता है तो उनको नरक जाना पड़ता है, और नरक जाकर वो बहुत कष्ट उनको झेलना पड़ता है, तो जीव कैसे नरक नहीं जाए, इसके बारे में आप मुझे बताइए, हमें बताइए। परीक्षित महाराज जो बोल रहे हैं, हमें बताइए, मतलब हम इधर जितने हैं सभी को बताएं। ये बात मैं कल भी कह रहा था कि ये प्रश्न सभी को याद होना चाहिए, ये कथा के अंत समय तक, कि परीक्षित का प्रश्न क्या था। अधुने महाबाहो महाभाग जथेव नरकान्नर नाना उग्र जातनान्यात् तन्मे व्याख्यातुम् अर्हसि। हे महाभाग, आपने अभी जो बताया कि व्यक्ति अगर पाप करता है तो उनको नरक जाना पड़ता है, तो कैसे व्यक्ति को नरक जाना नहीं पड़ेगा, आप इसके बारे में बताइए। जब ये बात सुने सुखदेव गोस्वामी, बहुत सुंदर बात बता रहे थे, कल हम सुन रहे थे, क्या बताए, नहीं, व्यक्ति को नरक जाना ही होगा, क्योंकि व्यक्ति इधर पाप करता है, जो पाप करते हैं उनको नरक जाना पड़ता है, उनके लिए नरक तो बनाया गया है, इसीलिए उनको दंड देने के लिए तो नरक है, तो इधर जो पाप करते हैं उनके लिए नरक का विधान है। और पाप कैसे होता है, तीन तरीके से पाप होता है, एक है और दूसरा और तीसरा शरीर से, काय मन वाक्य, तो तीन तरीके से पाप होता है। तो ये जो पाप होता है, पाप का दंड भोग करने के लिए भगवान की सृष्टि में ये एक विधान है, नरक बनाया गया है। कोई मना नहीं कर सकता है कि नरक नहीं है, कोई देखा नहीं है, हम नहीं मानेंगे, नहीं, हमको मानना पड़ेगा। राज्य है तो राज्य के अंदर जेल भी है कि नहीं, राज्य है तो राज्य के अंदर क्या बोलते हैं, जो आयन व्यवस्था है, कानून का कुछ व्यवस्था है कि नहीं, जो कानून को तोड़ते हैं उनको पकड़ने के लिए भी कुछ व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है कि नहीं, उनको दंड देने के लिए कुछ व्यवस्था है। तो राजा का अगर इतना सुंदर व्यवस्था हो, आजकल हम देख रहे हैं, तो भगवान का इतना बड़ा सृष्टि, इतना बड़ा भगवान का सृष्टि चल रहा है, इसके लिए कोई नियम नहीं है, कुछ नियम नहीं है, जरा सोचिए, हो सकता है। अगर हम छोटे छोटे गलती करते हैं तो राजा के सैनिक जो पुलिस है वो तो आकर हमको पकड़ते हैं ना, पकड़ लेते हैं और दंड देते हैं। तो भगवान का सृष्टि इतना विराट बड़ा सृष्टि है, तो कुछ तो व्यवस्था होगा ना, ये हम सबको पता होना चाहिए। जो बोलते हैं नहीं और नरक पर कुछ नहीं है, तो वो बिल्कुल बुद्धू है, शास्त्रों का सिद्धांत है। भगवान का इतना सुंदर सृष्टि है, कैसे कुछ व्यवस्था नहीं हो सकता है, व्यवस्था है। तो जो इसे मनमान काम करेगा, पाप करेगा, उनके लिए दंड
उनको जरूर भोगना पड़ेगा। तो सुखदेव गोस्वामी ये बात बता रहे हैं कि व्यक्ति नरक को अवश्य जाएगा। कैसे? नचेत अपचित कृतस्य कुर्यात् मनोक्त पाणिः ध्रुवं सविप्रत्य नरकान्नुपैति जे कीर्तितामे भवतः तिग्म जातना। ध्रुवं सविप्रत्य, मृत्यु के बाद ध्रुवं निश्चित रूप से उनको नरक जाना पड़ेगा, वो नरक जाएगा। और मैं जो बोला नरक के बारे में, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, मैं जो नरक के बारे में बोल दिया, वो नरक का दुख कष्ट उनको झेलना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने गलती कर दिया है। अगर जाना नहीं चाहता है, गलती तो हो रहा है, अगर जाना नहीं चाहता है तो क्या करना चाहिए? कलम सुन रहे थे, क्या करना चाहिए? प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित अगर कर दिया तो नरक को नहीं जाना पड़ेगा। कैसे प्रायश्चित? इसलिए बोलते हैं तस्मात् प्रेव आसु इह पाप निष्कृतौ जतेत मृत्यु अभिपत्यतात्मना। इसीलिए मृत्यु से पहले ही ये प्रायश्चित कर लेना चाहिए। और जब शरीर स्वस्थ होगा उस समय करना चाहिए, वृद्ध होने के बाद प्रायश्चित करेगा ऐसा नहीं, या फिर मरने के बाद उनके लिए दूसरा कोई प्रायश्चित करेगा ऐसा भी नहीं। स्वस्थ होते हुए ही, अपना सभी इंद्रिय स्वस्थ होते हुए ही, और अतिशीघ्र आंसु अतिशीघ्र प्रायश्चित कर लेना चाहिए। और जैसे दोषस्य दृष्ट्वा गुरु लाघवं यथा, जैसा पाप हुआ है वैसा प्रायश्चित करना चाहिए। जिस पाप के लिए जैसा प्रायश्चित शास्त्र में विधान है दिया गया है, उस हिसाब से हमको प्रायश्चित कर लेना चाहिए। अगर ऐसा प्रायश्चित हम कर देंगे तो नरक को नहीं जाना पड़ेगा। तो ये बात जब सुखदेव गोस्वामी ने बोले, परीक्षित महाराज क्या बोले थे कि ये बिल्कुल आसान नहीं है। परीक्षित महाराज बोल रहे थे ना, दृष्ट्वा सुखाभ्यं यत् पापं जानन्नोपि आत्मनो अहितं करोति भूय विवश प्रायश्चित मथो कथम। व्यक्ति देखते हैं, उनको पता चलता है कि ऐसा करना नहीं चाहिए, देखते हैं दृष्ट्वा, देखते हैं अगर कोई भूल करता है तो उनको दंड दिया जाता है, वो देखते हैं। सुप्त्वा सुनते भी, अगर कोई भूल करेगा तो उनको दंड मिलेगा, मिला है ऐसे सुनते भी है, फिर भी लोग पाप करते हैं, गलती करते हैं। और ये भी जानते हैं पाप करने के लिए, हम जो पाप कर रहे हैं इससे हमारा कोई कल्याण भी नहीं होगा, ये भी पता है सबको, हमारा आत्मा का कोई कल्याण होने वाला नहीं है, फिर भी लोग पाप करते हैं। तो ये तो क्या बोलते हैं, जैसे कहा जा सकता है कि फोर्सफुली पाप करते हैं, जानते हुए भी पाप करते हैं। अज्ञान शास्त्र से पाप करने तो दूसरी बात है, लेकिन लोग जानते हुए पाप करते हैं, केयरलेस, जैसा हिंदी में क्या बोल सकते हैं, मनमाफी जो पाप करते हैं, केयरलेस मतलब बिल्कुल उनको कोई भय ही नहीं, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा ये जो सोच, ये जो विचार है, तो उनको पता नहीं। इसका मतलब नहीं कि हमको माफ मिल जाएगा, हमको क्षमा कर दिया जाएगा, नहीं। इसीलिए प्रायश्चित करना चाहिए। तो ये परीक्षित महाराज क्या बोल रहे हैं, हाँ प्रायश्चित तो करना चाहिए, लेकिन लोग प्रायश्चित नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रायश्चित करेंगे फिर तो पाप करेंगे ना, दोबारा तो फिर पाप करेंगे, तो पाप करेंगे प्रायश्चित करेंगे, फिर पाप करेंगे फिर प्रायश्चित करेंगे, फिर पाप करेंगे फिर प्रायश्चित करेंगे, तो आत्यंतिक प्रायश्चित कब होगा? ये तो चलता रहेगा कंटिन्यूसली। पाप हो गया, अगर किसको पता चल गया कि मेरा पाप हो गया तो प्रायश्चित कर देगा, प्रायश्चित करने के बाद वो तो फिर पाप करेगा, तो अगर पता चल गया फिर प्रायश्चित करेगा, तो ऐसा तो चलता रहेगा। बंद कब होगा, अंतिम प्रायश्चित कब होगा, जिसको शास्त्र में आत्यंतिक प्रायश्चित कहा जाता है, कब होगा तो पता नहीं। इसीलिए बताते हैं, ये जो प्रायश्चित के बारे में आप बता दिए अभी, ये प्रायश्चित मैं समझता हूँ, ये प्रायश्चित कैसा है, कुंजर शौचवत, मन्य कुंजर शौचवत, हाथी स्नान करने जैसा है। हाथी स्नान करता है फिर बाहर आकर फिर गंदगी को अपने शरीर के ऊपर फेंकता है, तो इस स्नान का मूल्य क्या है? स्नान का कुछ मूल्य हुआ? कुछ भी नहीं है ना। ठीक उसी तरह लोग भी देखिए, जगत में भी ऐसा होता है, जगत में भी ऐसा होता है ना, सभी को पता होगा शायद, उड़िया लोगों को तो पता होगा, जैसे उड़ीसा में एक ऐसा होता है ना, जब कार्तिक महीना आ जाता है लोग क्या करते हैं,
धार्मिक हो जाते हैं, है कि नहीं? एक महीने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, सुबह सुबह नहाते हैं, मंदिर जाते हैं, घर में सब पूजा पाठ सब हो रहा है, सब बिल्कुल धार्मिक हो जाते हैं, एक महीने तक सब कुछ करेंगे। हाँ, लेकिन जब महीना खत्म हो जाएगा क्या करते हैं? दूसरा स्टेट में होता है या पता नहीं मुझे, कुछ हमेशा है गलती करते हैं, फिर नहीं वो सॉरी तो बोलते हैं महीने तक सॉरी बोलते हैं, बिल्कुल सुधर जाते हैं, लेकिन जब महीना खत्म हो जाता है फिर दूसरा बार फिर वो पाप शुरू कर देते हैं। इसको वहाँ कहते हैं ना छाड़ाखाई करते हैं कि नहीं लोग? छाड़ाखाई करते हैं मतलब जो सब छोड़ दिए थे फिर से चालू कर देते हैं। तो इतना पुण्य, ये जो भक्ति का जो कुछ किया उनका मूल्य क्या हुआ? ऐसा तो हाथी नहाने जैसा हुआ। हाथी बहुत सुंदर नहाता है फिर जाकर गंदगी फैलता है, अपने शरीर के ऊपर फेंकता है। तो ये जो पाप का प्रायश्चित जो आप बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज ऐसा बोल रहे हैं। तो ऐसा जो प्रायश्चित लोग करेंगे, ये प्रायश्चित को मैं समझता हूँ ये कैसा प्रायश्चित है, मन्ने कुंज रसो जवत, ये हाथी के स्नान जैसा ही हुआ। तो ये जो प्रायश्चित, इसको कहा जाता है कर्म प्रायश्चित, कुछ कर्म करने के माध्यम से प्रायश्चित करना। ये सब देखते जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारा कर्म के माध्यम से ये प्रायश्चित करना, ये है कर्म प्रायश्चित। तो कर्म प्रायश्चित को परीक्षित महाराज ने इधर एक उपमा दिया, एग्जाम्पल के बारे में एग्जाम्पल देकर बताया कि हाथी स्नान जैसा ही हुई। तो इस प्रायश्चित का कोई मूल्य नहीं है। जब इस बात को सुखदेव गोस्वामी सुने वो समझ गए कि परीक्षित वास्तविक सोता है, वो सही ढंग से श्रवण कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, जो सुन रहे हैं सोच रहे हैं ये कितना सही है, ये आजकल कितना हो सकता है, ये सोच रहे हैं। हम भी ऐसा सोचना चाहिए हमको भी, लेकिन जो परीक्षित महाराज सोच लिए बिल्कुल सिद्धांत को पकड़ लिए हैं, हमको बस सुनना है, हमको बस पकड़ कर चलना चाहिए शास्त्र में जो दिया गया है। धीरे धीरे तो जब ये बात सुने तब सुखदेव गोस्वामी क्या बता रहे हैं अब सुनेंगे हम। जब ये बात सुने सुखदेव गोस्वामी बोले हाँ परीक्षित तुमने जो बताया ये सही बात है, लोग पाप करते हैं, अगर प्रायश्चित करेंगे फिर दोबारा फिर वही पाप करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका चित्त शुद्ध नहीं है, वो अज्ञान स्तर पर है, वो अज्ञान के स्तर पर है इसीलिए वो पाप करते हैं। अगर उनको ज्ञान मिल सकता है तो पाप नहीं करेंगे, है कि नहीं? हम अज्ञान में है इसलिए हमारा गलती हो रहा है, पाप करते हैं पता नहीं चलता। लेकिन अगर ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो व्यक्ति और पाप नहीं करेगा, ये बता रहे हैं। कर्मणा कर्म निर्हारो न हि अत्यंतिकमिष्यते अविद्वत अधिकारी त्वत् प्रायश्चितं विनविमर्शनम्। ये बता रहे हैं, ये जो प्रायश्चित के बारे में बताया, कर्मणा कर्म निर्हारो न हि अत्यंतिकमिष्यते, हे परीक्षित अभी मैंने जो बताया कर्म प्रायश्चित के बारे में, ये आत्यंतिक प्रायश्चित नहीं हो सकता है, ये आत्यंतिक प्रायश्चित नहीं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं मिला है ना, हमको ज्ञान नहीं मिला है, इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान मतलब कौन सा ज्ञान? ज्ञान मतलब यहाँ जो ज्ञान के बारे में बताया गया है ये ज्ञान है आत्मज्ञान। ये एकेडमिकल स्टडीज से हमको जो ज्ञान मिल रहा है वो ज्ञान के बारे में नहीं बताया गया है। वो ज्ञान पाने से हम पाप से हमको छुटकारा मिलेगा क्या? नहीं ना। तो आत्मज्ञान मतलब हमारा आत्मज्ञान मतलब हमारा स्वरूप के बारे में पता चलना, भगवान के साथ हमारा संबंध को हम समझ पाना, आत्मा के कल्याण के लिए क्या करना ये समझ पाना, यह आत्मज्ञान। अगर किसको आत्मज्ञान मिल जाता है, वो आत्मज्ञान पर आ जाता है, तो उनको ये ज्ञान के बल पर उनका प्रायश्चित भी हो जाता है और वो दोबारा पाप नहीं करेगा। जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो दोबारा पाप नहीं करेगा, इसलिए बता रहे हैं। हाँ, उनको ज्ञान मिला नहीं इसलिए वो पाप कर रहे हैं, लेकिन जब ज्ञान मिल जाएगा तो दोबारा पाप नहीं करेंगे।
अच्छा ज्ञान कैसे मिलेगा, एक एक उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं अभी। जैसे हम मेडिसिन खाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन लेने से रोग से मुक्त हो जाएंगे, नेक्स्ट श्लोक में बताया गया है। मेडिसिन खाने से रोग से हमको मुक्त, हम मुक्त हो जाएंगे, लेकिन मेडिसिन हमको जितना मदद करता है उतना मदद भी पथ्थी करता है। पथ्थी मालूम है ना, पथ्थी बोलते हैं, पथ्थी क्या हाँ, मतलब जैसे हमको मेडिसिन दिया गया है और डॉक्टर ने बताया ये मेडिसिन को ऐसे खाना, और मेडिसिन खाते समय आपको कहीं दूसरा चीज नहीं खाना, जैसे क्या बोलते हैं बासी चीज नहीं खाना, खट्टा नहीं खाना, ठंडी चीज नहीं खाना, हाँ ये जो इसको कहते हैं पथ्थी। तो ये पथ्थी हमको उतना मदद करता है उसी तरह, क्योंकि उन्होंने पूछा, परीक्षित ने पूछा कि जो पापी है, पापी लोग को कैसे ज्ञान मिल सकता है, जो पापी पाप कर रहा है वो कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकेगा, उनका तो ज्ञान मिलना इतना आसान नहीं है ना, इसलिए बता रहे हैं हाँ ज्ञान मिल सकता है अगर ज्ञान प्रायश्चित करने के लिए कोई तैयार हो जाता है और उस रास्ते पर चलता है तो ज्ञान प्राप्त करेगा और उनका प्रायश्चित भी हो जाएगा। लेकिन ज्ञान प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। यहाँ जो आत्मज्ञान के बारे में बताया गया है तो ये आत्मज्ञान प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, मतलब वो ज्ञान पर स्थिर रहना इतना आसान नहीं। ज्ञान प्राप्त कैसे होगा इसके लिए 9 उपाय बताया गया है, इसके बाद बताते हैं। 9 उपाय को अगर हम अवलंबन करेंगे, स्वीकार करेंगे, तो वो 9 उपाय से हमको ज्ञान मिल सकता है। कौन सा 9 उपाय, देखिए बाद में इस लोग बताया गया है। तपसा ब्रह्मचर्येन समेन च दमेन च त्यागेन सत्यशौचभ्यं जमेन नियमेन च, ये 9 उपाय। ये 9 उपाय अगर हम अवलंबन करेंगे तो हमको ज्ञान मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। क्या क्या? तपसा, तपसा सिद्ध स्वयं बताते हैं, एकग्रेण मनसश्च इंद्रियाणां च ऐकाग्र्यं परम तप इति स्मृते। वेदों में ऐसा बताया गया है मन और इंद्रियों को संयम करके भगवान के ऊपर स्थिर करना, ये सब मतलब भगवान के ऊपर तो स्थिर करना दूसरी बात है, मन और इंद्रियों को संयमित करना ये है तप, तपस्या। सेकंड है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना। अगर ब्रह्मचर्य व्रत पालन करेंगे तो ज्ञान स्तर पर आएंगे, ज्ञान मिल सकता है अपने आप आएगा। कोई ब्रह्मचर्य व्रत पालन करता है तो वो उनको ज्ञान मिलेगा, तपस्या ब्रह्मचर्य। समय न च दमय न च, ये बहुत सुंदर बताया गया है। समय न दमय न, समय न मतलब मन की स्थिरता, मन को स्थिर करना, दमय न मतलब इंद्रियों को स्थिर करना, इंद्रियों को संयम करना। त्याग है न, त्याग, त्याग का मतलब सब कुछ छोड़ना ही नहीं, त्याग मतलब आचार्य लोग बताते हैं त्याग मतलब दया करना, दया करना, इससे ज्ञान प्राप्त होता है। त्याग है न, सत्य, सत्य, अगर कोई सत्य पथ पर चलता है तो उनको ज्ञान मिलेगा। झूठ को पकड़ करके कोई ज्ञान नहीं हो सकता है, सच को पकड़ करके चलना चाहिए। आजकल कोई ऐसा सोच सकता है नहीं हम तो बहुत बड़े ज्ञानी है, हमारा तो बहुत क्वालिफिकेशन है, बहुत एजुकेशन हम प्राप्त कर लिए हैं, हम ज्ञानी हो गए हैं, नहीं ये ज्ञान हम प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है, ये संसार में हम चल सकते हैं, हमारा गुजारा क्या बोलते हैं जीवन को हम आगे चला सकते हैं, लेकिन पाप से छुटकारा मिलेगा ऐसा नहीं हो सकता। ज्ञान मतलब आत्मज्ञान। वैसे देखा जाए अगर झूठ को पकड़ करके कोई ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है तो ज्ञान टिकता नहीं है, ये सच है, शास्त्र में ऐसा वर्णन है। आपको शायद मालूम होगा कर्ण, कर्ण के बारे में शायद आपको सभी को मालूम होगा। कर्ण जब गए थे शिक्षा लेने के लिए द्रोणाचार्य से, द्रोणाचार्य का उनका एक नियम था, सभी को वो शिक्षा नहीं देते थे, जो क्षत्रिय है उनको शिक्षा देते थे, लेकिन कर्ण जाकर क्या बोला,
सुपुत्र, वो तो सुपुत्र थे, लेकिन वो द्रोणाचार्य जो बोल रहे थे मैं सभी को ज्ञान नहीं दूंगा। कर्ण जाकर सभी परशुराम, परशुराम द्रोणाचार्य बोल रहे हैं, परशुराम से जाकर जो शिक्षा लिए हैं आप उसे तो ये तो जानकारी होगा शायद, सब शिक्षा ले लिए। सब शिक्षा लेने के बाद परशुराम का ऐसा प्रथा कि ब्राह्मण ही शिक्षा लेंगे, ब्राह्मण को ही शिक्षा दे रहे थे, क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मण को, ब्राह्मण को शिक्षा दे रहे थे। तो कर्ण ने जाकर वहां ब्राह्मण कहकर वो शिक्षा प्राप्त करने लगा। देखिए वो शिक्षा प्राप्त करने लगा लेकिन झूठ को माध्यम करते हुए बोला कि मैं ब्राह्मण हूं। तो एक दिन परशुराम ने कर्ण के गोद में सो गए थे, आपको मालूम होगा शायद, कर्ण के गोद में सो गए थे, उस समय क्या हुआ, एक कीड़ा आकर, बिच्छू जो भी हो आकर कर्ण को काटने लगा। जब काट रहा था कर्ण ने सहन कर लिया। देखिए उनका गुरु के प्रति विश्वास है, गुरु के प्रति भक्ति था, लेकिन झूठ को पकड़ करके ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने क्या सोच लिया, अगर मैं इधर इधर उठ जाऊं या फिर मेरा शरीर को मैं इधर उधर कर दूं तो क्या होगा, गुरु जी का नींद टूट जाए, ऐसा सोच कर वो बिल्कुल सब कुछ सहन करके वहां स्थिर रह गए। लेकिन जब खून आया और परशुराम के शरीर पर स्पर्श हो गया, उनका नींद तुरंत टूट गया। टूट जाने के बाद वो देखे, अरे इतना खून बह रहा है, तब उनको पता चल गया कि ये ब्राह्मण नहीं हो सकता, क्योंकि ब्राह्मण इतना शारीरिक कष्ट नहीं सहन कर पाएगा, ये जरूर दूसरा कुछ है, ये ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण तपस्या लेवल पर तपस्या को माध्यम करते हुए कुछ कष्ट सहन कर सकता है, लेकिन ये शारीरिक कष्ट ये क्षत्रिय या फिर दूसरा कोई ही सहन कर पाएगा, उनको पता चल गया। तुरंत उन्होंने वो उधर पूछे, बताओ तुम कौन हो, सच बताओ। तब उनको बताना पड़ा। उस समय परशुराम ने क्या किया पता होगा सबको, क्या किया, क्या शब्द दे दिया, मतलब जो ज्ञान प्राप्त, कहने का तात्पर्य था देखिए, गुरु को प्रसन्न करते हुए जो ज्ञान उन्होंने हासिल किया था, वो हासिल किया था बहुत सारा विद्या, लेकिन वो गुरु ही रूठ गए उनके ऊपर, क्योंकि झूठ को पकड़ करके वो ज्ञान को हासिल किया था। इसलिए गुरु उस समय उनके ऊपर रूठ कर बिल्कुल सब दे दिए, ठीक है तुमने बहुत सारा ज्ञान ले लिया लेकिन ये कोई काम, कुछ काम का नहीं है। जब तुम्हारा बहुत गुरुत्वपूर्ण युद्ध में जिस समय तुम सामना करने होगे, सामना कर रहे होगे, उसी समय तुम्हारा कुछ भी मंत्र याद नहीं आएगा, कोई भी मंत्र याद नहीं आएगा, क्योंकि सब जो बाण चलाते थे ना वो सभी बाण मंत्र से ही आता है, मंत्र से ही आता है। तो देखिए ये झूठ को माध्यम करते हुए कहने का तात्पर्य था कि झूठ को माध्यम करते हुए वो युद्ध के कौशल के बारे में कुछ सीख रहे थे, लेकिन वो भी उनके काम में नहीं आया। अब झूठ को पकड़ करके अगर हम ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो आत्मज्ञान पर स्थिर हो पाएंगे, कभी भी नहीं, ये नहीं हो सकता। इसलिए सच को पकड़ करके चलना चाहिए, सत्य। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है एकलव्य, एकलव्य के बारे में सभी को पता है कि नहीं, एकलव्य के गुरु भक्ति था कि नहीं, बहुत सुंदर तो गुरु का वो एकलव्य द्रोणाचार्य को गुरु रूप में मान लिए थे। द्रोणाचार्य से वो शिक्षा करने के लिए उत्सुक होकर जाकर द्रोणाचार्य से पूछने लगे, निवेदन किए कि आप मुझे शिक्षा दीजिए, लेकिन द्रोणाचार्य ने उनको ठुकरा दिया, नहीं 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 तुम शिक्षा पाने के लिए अधिकारी नहीं हो, गुरु को पता है कौन अधिकारी है कौन अधिकारी नहीं है। लेकिन एकलव्य का देखिए जिद कैसा है, वो क्या किया उस समय सभी को पता है, एकलव्य क्या किया, गुरु के प्रतिमूर्ति को स्थापन किया, गुरु के प्रतिमूर्ति को स्थापन करके ऐसे गुरु मानते हुए ही गुरु के सेवा करते हुए सभी ज्ञान को ले लिया, मतलब गुरु से जो ज्ञान दिया जा रहा था अपने शिष्यों को वो सभी ज्ञान को पकड़ लिया, क्योंकि गुरु गुरु के प्रति उनका ऐसा भाव था। लेकिन अंदर देखिए झूठ को पकड़ करके चल रहा था, ठीक है, गुरु अगर मना कर दिए तो बस छोड़ देना चाहिए था। जिस मत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज बोलते हैं इस टॉपिक पर कि एकलव्य का गुरु भक्ति के बारे में जगत को पता है, इसलिए एकलव्य को सब प्रशंसा करते हैं, लेकिन एकलव्य का अंदर जो चल रहा था
इसके बारे में किसी को पता नहीं है। वो झूठ को पकड़ करके चल रहा था। वो दिखाना चाहता था जगत को कि मैं अर्जुन से भी श्रेष्ठ योद्धा हो सकता हूँ, ये दिखाने के लिए चल रहा था। उनका मन में ऐसा चल रहा था। इसलिए गुरु उनको बोले, ठीक है तुमने तो सब शिक्षा ले लिया, मुझे दक्षिणा दो। मांगेगी नहीं, क्या दक्षिणा मांगे? अपनी अंगूठी को काट कर मुझे दो। काट कर दिया। इसीलिए सभी उनको प्रशंसा करते हैं कि एकलव्य जैसा गुरु भक्त विरल है, दिखने को नहीं मिलता है, लेकिन उनके भीतर क्या है ये किसी को पता नहीं है। अगर गुरु ऊपर उनके ऊपर प्रसन्न हो जाते तो वो एक ऐसा भी योद्धा हो सकते थे, लेकिन गुरु उनके ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। अगर उनका गुरु भक्ति इतना था तो गुरु तो प्रसन्न होना चाहिए ना, है कि नहीं? ये बात को हम समझना चाहिए। गुरु अगर उनके ऊपर प्रसन्न थे तो वो हो सकता है, लेकिन गुरु उनके ऊपर प्रसन्न नहीं थे क्योंकि वो झूठ को लेकर चल रहा था। तो कहने का तत्व ये है, तो अगर झूठ को पकड़कर हम कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये जागतिक चीज भी हमको नहीं मिल सकता है, आत्मज्ञान कैसे मिलेगा? इसीलिए आत्मज्ञान पर स्थिर होने के लिए ये 9 अंग हमको पालन करना चाहिए। तपस्या, ब्रह्मचर्य, समेन च, दमेन च, त्यागेन, सत्य, शौचाभ्यंग, शौच शुचि रहना चाहिए। जो शुचि परायण है वो ज्ञान स्तर पर आ सकेंगे। और क्या? यमेन नियमेन च। शुचि मतलब क्या मालूम है? पवित्र मतलब? पवित्र मतलब क्या है? पवित्र दो तरह से होता है, दो प्रकार के पवित्रता होता है। सूचि मतलब एक है बाह्य सूचि, दूसरा है अंतः सूचि। इनका ये दो सूचि होता है उनको ये ज्ञान मिलता है, मतलब वो ज्ञान स्तर पर आते हैं, आ सकते हैं। बाह्य सूचि, बाह्य सूचि मतलब, बाह्य सूचि मतलब क्या? बाहर से सूची का मतलब क्या है? व्यवहारिक सूची। वो क्या है? वो क्या है? मतलब रोज शरीर को पवित्र रखने के लिए कोशिश करना, जैसे रोज नहाना। कितने बार नहाना? रोज 3 बार। कौन नहाता है? हो सकता है गर्मी के सीजन में नहा सकते हैं, ठंडी सीजन में नहाते हैं 3 बार नहाते हैं, गीजर है ना घर में, फिर भी तो नहीं नहाते कोई। कम से कम 2 बार नहाना चाहिए। और जब मल त्याग करते हैं, पेशाब करते हैं, उस समय भी शुचि होना चाहिए, वो भी शुचि का अंतर्गत है। मल त्याग करते तो अन्य तो जब मल त्याग करते हैं हम स्नान करना चाहिए हमको, जब पेशाब जाते हैं उस समय अंग शुचि होना चाहिए, ऐसा शुचि होना चाहिए। शुचि मतलब पवित्र पोशाक पहनना चाहिए, ये सब बाह्य सूची है। अंत सूची क्या है? ये तो बाह्य सूची, बाह्य सूची हम ऐसे सुन लिए। अंत सूची क्या है? मैं अंत बोला, आप अंदर से बोला, बात तो एक ही है ना, क्या है वो? मैं बाह्य बोला, आपने बोला बाहर से, बात तो ये था। भगवत नाम लेना चाहिए। जी भगवत नाम लेना चाहिए, प्रसाद लेना। अच्छा, अंत सूची का मतलब है अंदर हमारा जितना दोष है वो दोष को साफ करना। अंदर कितना दोष है किसी को पता है? अंदर कितना दोष है? नाना प्रकार के दोष है ना। सबसे बड़ा दोष है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब अंदर का दोष है। इससे क्या होता है? चित्त दूषित हो जाता है, चित्त दूषित हो जाता है, चित्त शुद्ध नहीं होता है, अज्ञान कैसे पकड़ेंगे? इसीलिए अंदर भी साफ होना चाहिए। तो ये कहने का तात्पर्य क्या है? सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं ऐसा 9 अंग को अगर हम स्वीकार करेंगे, और लास्ट में बोल रहे हैं जमेन नियमेन चल, यमेन अहिंसा दिना, नियम कुछ नियम को पकड़ करके चलना चाहिए, जैसे भगवतीय नियम कुछ। तो अगर ऐसा हम कुछ नियम को पालन करेंगे तो ज्ञान स्तर पर आएंगे। और अगर ज्ञान स्तर पर आ जाएंगे, आत्मज्ञान स्तर पर आ जाएंगे तो क्या होगा बाद में बोलते हैं, प्रायश्चित हो जाएगा।
कैसा प्रसिद्ध होगा, देखिए क्या बोलते हैं, देहवाद बुद्धि जंधीरा धर्मज्ञा सध्यान्विता खिपंती अघन महत अपि वेणुगुल मैवानला। बहुत सुंदर बात बताते हैं, अगर ऐसा ज्ञान स्तर पर कोई आ जाता है तो क्या होता है, उनका सभी पाप भी धुल जाता है। कैसा पाप, देह वाक बुद्धि जान, मतलब काय मन वाक्य, ये जो तीन बोलते हैं ना, देह मतलब काय वाक बुद्धि जान मन में, ये जो तीन तरीके से पाप होता है, ये सब पाप से वो छुटकारा उनको मिल जाता है। देह वाक बुद्धि जान धीर, लेकिन इस ज्ञान स्तर पर रहना, मतलब क्या बोलते हैं, टिक कर रहना इतना आसान नहीं है। उनके तीन साधन भी बता रहे हैं, क्या तीन है, धीरा धर्मज्ञान स्वध्यान्विता, ऐसे भी होना चाहिए, धीर होना चाहिए, धर्मज्ञ होना चाहिए, स्वध्यान्विता होना चाहिए। अगर थोड़ा सा कम हो जाएगा तो ज्ञान स्तर से हम फिर नीचे आ जाएंगे। ये जो नौ साधन है, ये नौ साधन अगर थोड़ा कम हो जाएगा फिर ज्ञान स्तर से नीचे आ जाएंगे। तो ये इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर उस स्तर पर कोई जा सकता है, पहुंच गया है, तो उनका सभी पाप धुल जाएगा। कैसे धुल जाएगा, सुखदेव गोस्वामी एक उदाहरण देकर बोल रहे हैं, जैसे वेणु गुल्म इवा अनल, इसका मतलब है बांस जिधर रहता है ना, बांस, बांस का जो बुद्धा होता है, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या होता है बांस का जो, बांस तो एक जगह पर नहीं था, रहता ना, वो क्या बोलते हैं, बिल्कुल वंश वंश में रहते हैं, गुच्छा, ठीक है, जहाँ जहाँ रहते हैं बांस, वो बहुत सारा बांस के पेड़ एक जगह पर रहते हैं। तो अगर बांस आपस में अगर ऐसा घिसते हुए अगर आग लग जाता है तो क्या होगा, पूरा बांस का वो जो जितना गुच्छा जो भी हो वो सब क्या होगा, बिल्कुल जलकर राख हो जाएगा। सुखदेव गोस्वामी ये बात बता रहे हैं, अगर कोई आत्मज्ञान स्तर पर आ जाएगा तो उनका जितना पाप है सभी पाप ऐसा जलकर राख हो जाएगा। लेकिन आत्मज्ञान स्तर पर आना इतना आसान नहीं है, इसलिए ये बात को जब सुने सुखदेव गोस्वामी से मुख से परीक्षित महाराज, उनको कोई प्रसन्नता नहीं मिली, वो प्रसन्न नहीं हुई, उनके मन में ये एक सोच चल रहा था, अरे ऐसा कैसा संभव है, ये तो बिल्कुल असंभव है, ये संभव नहीं। तो परीक्षित महाराज के मन में जो कुछ चल रहा था, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के मुख को देखकर उनको पता चल गया कि उनके मन में कुछ चल रहा है, मतलब वो प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। हम यहाँ कथा कह रहे हैं, हमको ही पता चलता है कोई कैसे सुनता है, कौन कैसे सुनता है, कौन प्रसन्न वदन से सुनता है, कौन टाइम देखता है, यही पता चल जाता है। कौन सुनते समय सोच रहा है अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये भी इंग्लिश में कहा होता है ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, मुख में प्रतिफलित होता है, अंदर क्या चल रहा है, कुछ तो चल रहा है ना, ये पकड़ जाए, पकड़ा जाएंगे, क्या बोलते हैं, मतलब हमारा ये फेस ही बता देगा। तो परीक्षित महाराज का ऐसे स्थिति को देखकर सुखदेव गोस्वामी को पता चल गया कि परीक्षित ये बात को सुनकर प्रसन्न नहीं हुई, इसलिए सुखदेव गोस्वामी लास्ट में बताएंगे, बोलेंगे ठीक है परीक्षित, तुम जो सोच रहे हो ये सही है। अच्छा परीक्षित का ऐसा क्या सोच चल रहा था, अंदर क्या चल रहा था, देखिए सुखदेव गोस्वामी को पता चल गया, वो महान साधु है ना, इसलिए उनको पता चल गया, क्योंकि परीक्षित महाराज का अंदर ऐसा एक कंफ्यूजन आ रहा था, वो ऐसा सोच रहे थे वेणु गुल्म इवानल, ये जो दृष्टांत दिया गया है, हो सकता है जब आग पकड़ लेगा तो बिल्कुल बांस का गुच्छा जो बोलते हैं ये बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, जलकर राख हो जाएगा, ये सच से ये सही है, लेकिन जब दोबारा बारिश होगा तो क्या होगा, हाँ जी फिर से हो गया कि नहीं, क्योंकि बांस का जो पेड़ हम देख रहे थे, जितना गुच्छा देख रहे थे, जो कुछ देख रहे थे, वो तो सब जल गया, लेकिन उनका मूल बोलते हैं ना जड़, हाँ अच्छा जड़, उनका जो जड़ है, जड़ तो है ना अंदर, जड़ है कि नहीं, अगर उनके ऊपर पानी गिरेगा तो जड़ से फिर तो बांस आएगा ना, इसीलिए परीक्षित महाराज प्रसन्न नहीं हो रहे थे।
तो ये जो पानी बरसने का ये जो सोच रहे क्यों, तो ये जो नौ साधन अगर चलता रहेगा तो हो सकता है वो ज्ञान स्तर पर स्थिर रह पाएगा। लेकिन ये जो नौ साधनों में से कोई एक साधन अगर कम हो जाएगा और तीन स्थिति धीरा धर्मज्ञ सद्धर्मिता ये जो तीन स्थिति में से अगर उनका कुछ कम हो जाएगा तो वो फिर से नीचे आ जाएगा। मतलब फिर से क्या होगा उसमें वही जो जड़ से फिर उगेगा, मतलब फिर पाप बुद्धि आ जाएगा, वो फिर पाप कर्म करने लग जाएगा। जब ये बात सुने सुखदेव गोस्वामी समझ ले अच्छा ठीक है, परीक्षित महाराज बिल्कुल तर्जमा करते हुए सुन रहे हैं, अभी सुखदेव गोस्वामी लास्ट बताएंगे। तो ये जो प्रायश्चित है ये कौन सा प्रायश्चित है, यह ज्ञान प्रायश्चित है कि पहले हम सुने थे कौन सा प्रायश्चित, कर्म प्रायश्चित, दूसरे हम सुने हैं ज्ञान प्रायश्चित। अभी सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताएंगे ठीक है परीक्षित तुम जो सोच रहे हो ये ठीक, ये सही, ये ठीक बात है, लेकिन एक ऐसा प्रायश्चित है जिससे सभी पाप बिल्कुल धुल जाएगा। वो कैसा प्रायश्चित है, वो है भक्ति प्रायश्चित। इसलिए भक्ति के बारे में अभी बताएंगे। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघं धुन्वन्ति कस्नेन निहारं विवहस्कर। अभी लास्ट को बता रहे हैं केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण, सिर्फ वासुदेव के भक्ति से, केवलया भक्त्या भक्ति, केवलया भक्त्या मतलब सिर्फ भगवान की भक्ति, दूसरा कोई काम नहीं। किन के भक्ति, वासुदेव परायण, वासुदेव कृष्ण की भक्ति। कोई देवा देवी के भक्ति के बारे में नहीं बताया गया है। देवा देवी के भक्ति अगर हम करेंगे तो पाप नहीं धुलेगा। ये जो देवा देवी की पूजा करते हैं उनसे कोई क्षति नहीं है लेकिन पाप नहीं धुलेगा। हम उनको प्रसन्न करते हैं, वो प्रसन्न होकर हमको कुछ दे देंगे, बस ये है। हम अगर कोई देवा देवी की पूजा करेंगे तो वो प्रसन्न होकर दे देंगे लेकिन पाप नहीं धुल सकता, क्योंकि उनके पास भी ये शक्ति नहीं है पाप को धुलाने के लिए, है कि नहीं, पता है सबको। देवा देवी का ऐसी शक्ति नहीं है हमारा पाप को धो देंगे, ना पाप नहीं धो सकेंगे। हमारा पर प्रसन्न होकर हम जो चाह रहे हैं, हम जो मांग रहे हैं उनसे वो दे देंगे, ठीक है प्रसन्न हो गया ये ले लो दे देंगे। इसलिए वैष्णव लोग देवादेव को पूजा क्यों नहीं करते हैं, इसका मतलब नहीं कि देवादेव को असम्मान करते हैं, नहीं नहीं नहीं, वैष्णव लोग देवादेवी को असम्मान नहीं करते हैं। देवादेवी कौन है देवादेवी, देवादेवी है भगवान के विभूति, भगवान को विभूति है ना, भगवान उनको सब दायित्व दिए हैं, कौन से देवता के पास क्या दायित्व होना चाहिए ये भगवान उनको मालूम है वो दे दिए। इसलिए वैष्णव लोग देवादेवी को क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, किसी को घृणा नहीं करते हैं लेकिन किसी को ऐसे पूजा नहीं करते हैं। वो किन को पूजा करते हैं, वासुदेव परायण, वासुदेव को पूजा करते हैं। क्यों, कोई मन में, किसका मन में ऐसा प्रश्न आ सकता है अगर हम देवादेवी को पूजा नहीं करेंगे तो वो तो रूठ जाएंगे ना, है कि नहीं, प्रश्न आ सकते हैं मन में, है कि नहीं, रूठ जाएंगे शायद, रूठ गया इंद्र। तो अगर ऐसा कोई रूठ जाएगा तो हमारा तो बहुत प्रॉब्लम होगा ना, देवादेवी तो क्रोधित हो जाएंगे, रूठ जाएंगे। ना ना ऐसा नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा। क्यों मालूम है, क्योंकि भागवत में ऐसा वर्णन है जब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, उस भक्ति से, उस सेवा से, उस पूजा से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे कोई देवा देवी हमारे ऊपर नहीं रुठ सकते हैं। भगवान प्रसन्न है ना, जस्मिन तुष्टे जगत तुष्टि, भगवान अगर प्रसन्न है तो सभी प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे कहा जाता है भगवान का वर्णन है, जैसे हम एक पेड़ के जड़ में अगर पानी देंगे तो पेड़ के जड़ में पानी देने से वो पेड़ का सभी पत्ता फूल शाखा प्रशाखा जो भी हो वो जल को पाएंगे या नहीं, या हम दूसरा अलग अलग पानी देते हैं, पत्ता के लिए पत्ते में पानी डालते हैं, फूल के लिए फूल में पानी डालते हैं,
फल के लिए फल फल के ऊपर पानी डालते हैं, ऐसा करते हैं क्या कोई? अगर ऐसा कोई करेगा तो उनको क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा माता जी? अगर ऐसा कोई करेगा, अरे फूल सूख गया फूल के ऊपर पानी दो, ये पत्ता सूख गया पत्ता के ऊपर पानी दो, अगर ऐसा कोई करेगा तो वो उनको क्या कहा जाएगा? उनका बुद्धि इतना पर्याप्त नहीं है, उनका सही ज्ञान नहीं है। तो ऐसा ही भगवान को अगर हम सेवा करते हैं तो इसलिए तो देखते हैं ना, हम मंदिर में जगन्नाथ मंदिर सब गए हैं, सेंटर में कौन है? सेंटर में कौन है? रत्न सिंहासन पर कौन है? जो ना जी देवादेव सो किधर है? पार्श्व में है ना। तो मालिक जी जो मालिक है वो तो बीच में है ना, तो मालिक को पकड़ कर हम अगर चलेंगे तो सभी उनके जो जितने भी अनुयायी है वो तो प्रसन्न हो गए ना, वो रुट सकते हैं क्या? अगर वो रुठेंगे तो मालिक उनको समझाएंगे क्यों रुट रहे हो उनके ऊपर। जैसे इंद्रदेव ब्रजवासियों को इंद्रदेव जो कष्ट देने के लिए प्रयास कर रहे थे, मालिक जी अगर इंद्र को समझाएंगे नहीं उस समय, समझाएंगे? बहुत सारा प्रमाण है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जो भक्ति करेंगे केवल भक्ति से सभी पाप धुल जाएगा, ये बता रहे हैं। कैसे हमारा सभी पाप धुल जाएगा इसके बारे में तो प्रश्न चल रहा है ना, मतलब पाप है इसलिए तो हमको नरक को जाना पड़ेगा, अगर पाप धुल जाएगा तो नरक नहीं जाएंगे, तो कैसे पाप धुलेगा? अगर वासुदेव परायण हो जाएंगे, वासुदेव की भक्ति करेंगे, कृष्ण की भक्ति करेंगे, जब कृष्ण की भक्ति करेंगे वासुदेव की भक्ति करेंगे तब सभी पाप धुल जाएगा। कैसे धुल जाएगा? एक दृष्टांत देकर वो भी बता रहे हैं, कैसे? निहारम इव भास्कर, भास्कर जब सूर्योदय उगते हैं, सूर्य उगने के बाद जितना भी निहार मतलब क्या बोलते हैं फॉग, हिंदी में क्या होता है? कोहरा, कोहरा ना, कोहरा, जितना कोहरा होता है सभी कोहरा थम जाते हैं कि नहीं? कोहरा डिसअपीयर हो जाते हैं कि नहीं? हो सकता है कुछ समय लग सकता है लेकिन डिसअपीयर हो जाते हैं कि नहीं? सूर्य उगने के बाद सभी कोहरा किधर चला जाता है पता नहीं। उसी तरह अगर कोई भक्ति के पथ पर चलता है, भक्ति करता है भगवान का, वासुदेव का भक्ति करता है, तो क्या हुआ? जितना पाप है सभी पाप सूर्य उगने से जैसे सब कोहरा थम जाता है, सब इधर चला जाता है, उसी तरह सभी पाप जीव के हृदय से सभी पाप किधर चला जाएगा पता नहीं। ये सही बात है, इसलिए तो भक्ति करना चाहिए। लेकिन इस भक्ति पथ पर आना इतना आसान नहीं, क्यों? क्योंकि सभी को विश्वास नहीं होगा, इसलिए बताया गया है केची, खूब कम लोग इस पर विश्वास करेंगे, खूब कम लोग विश्वास करेंगे कि भक्ति करने से सभी पाप धुल जाएगा, ये खूब कम लोग का विश्वास पर आएगा, सभी लोग विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए तो दूसरा माध्यम है, इसलिए दूसरा कर्म प्रायश्चित ज्ञान प्रायश्चित सब बताया गया है, क्योंकि भक्ति पथ पर सभी लोग नहीं आ पाएंगे। लेकिन भक्ति पथ पर अगर कोई आता है तो उनका सभी पाप धुल जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो सुखदेव गोस्वामी यहां बता रहे हैं, ये बात को भगवान श्री कृष्ण भगवती गीता में भी स्वयं अपने मुख से बताए हैं। कौन से श्लोक में बताए हैं? मेन श्लोक है, आज हम चर्चा कर रहे थे वहां, कौन से श्लोक है? सर्वधर्मान परित्यज्य, उसके बाद देखिए भगवान क्या बोलते हैं अपने मुख से, अहम त्वं, मैं तुमको सर्व पापेभ्यो, सभी पापों से क्या कर दूंगा? मोक्षयिष्यामि, मुक्त कर दूंगा। और जोर देकर बोल रहे हैं, शायद अर्जुन का विश्वास नहीं होगा, हो सकता है, इसीलिए जोर देकर बोलते हैं मां सुच, मतलब चिंता मत करो, चिंता मत करो, ये मैं कह रहा हूं, स्वयं बता रहे भगवान, ये मैं कह रहा हूं। अगर मेरा भक्ति कोई करता है, मेरे पास आकर कोई मुझसे मेरे ऊपर समर्पित हो जाता है, शरणागत हो जाता है, भक्ति करता है, तो मैं उनका सभी पाप को धो दूंगा, इसे कोई संदेह नहीं, कोई संशय नहीं, चिंता मत करो। कितना आश्वासन भगवान दे रहे हैं, सोचिए ऐसा आश्वासन आप ढूंढिए शास्त्रों में से, जितना शास्त्र आपके पास है या नहीं फिर ढूंढ कर आप देखिए, कोई देवादेवी ऐसा बात कहीं बताए हैं क्या? कोई बताए हैं? दुर्गा देवी बताए हैं, गणेश जी बताए हैं, सरस्वती बताए हैं, कोई बताए हैं मेरे पास आ जाओ, मेरे ऊपर समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हारा सभी पाप को धो डालूंगा, कहीं बताया गया है? नहीं। ये शक्ति सिर्फ भगवान का ही हो सकता है, इसलिए भगवान सभी पापों को धुल सकते हैं। इसलिए तो कहा गया ना, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि, इस श्लोक चौराष्टकम,
क्या है, श्लोक क्या है, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरंग, उसके बाद दुकुल अनंच, और उसके बाद अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोरात्र गण्य पुरुषं नमामि। अनेक जन्मार्जित पाप, अनेक जन्म का जितना पाप हमारा संचित होकर है, हमारा अंदर है, वो सभी पाप को वो चुरा कर ले जा सकते हैं। उनके पास ऐसा शक्ति है, उनका ऐसा शक्ति है, ठीक है, तो सभी पाप को ले सकते हैं। तो अगर ले सकते हैं तो क्यों नहीं लेते हैं? हम ऐसा समर्पित नहीं होते, हम भक्ति नहीं करते हैं। अगर कोई भक्ति करेगा, भक्ति पथ पर आ जाएगा, तो उनका सभी पाप दूर जाएगा। ये हमारा दोष है, हम भक्ति नहीं करते हैं, भक्ति को हम नहीं पकड़ रहे हैं, हम बस सोच रहे हैं भगवान ऐसा हमारा पाप कैसे धुलेंगे, तो धो लाएंगे, धो देंगे। लेकिन हमको भी कुछ करना चाहिए ना, क्या करना चाहिए? भक्ति करना चाहिए, भगवान के पास जाना चाहिए, भगवान का भक्ति करना चाहिए। इसलिए यहाँ बताया गया है कि केचित केवल भक्त्या वासुदेव परायण, केचित केवल भक्त्या, सिर्फ भगवान की भक्ति करने से सभी पाप धुल जाएगा। वासुदेव परायण अगम दुर्नंदी का स्नेह, सभी पाप धुल जाएगा, जैसे निहारम एवं भस्कर। जब ये बात बताए हैं सुखदेव गोस्वामी का, ये बात सुनकर परीक्षित महाराज के मन में और दूसरा प्रश्न आ गया। अच्छा, ऐसा हो सकता है? तुरंत उनके मन में आया, शायद ये पूछने लगे, अच्छा जो पापी है तो पापी लोग कैसे भक्ति करेंगे, है कि नहीं? बहुत लोग का मन में भी ये प्रश्न आ सकता है। बहुत लोग सोच रहे हैं, ऐसे भी बोलते हैं ना, अरे हम पापी, हमारा कैसा उद्धार, हम क्या भक्ति कर सकते हैं, हम क्या भक्त बन सकते हैं, है कि नहीं? ऐसा प्रश्न भी आ सकता है इसके दिमाग में। तो परीक्षित ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं, जो पापी है वो कैसे भक्त बनेंगे, वो कैसे भक्त बन पाएंगे, वो कैसे भक्ति करेंगे, भक्त पथ पर कैसे आएंगे, कैसे आएंगे? किसी को पता है जो पापी है वो कैसे भक्ति करेंगे? पापी तो बिल्कुल भक्ति नहीं कर पाएगा ना, नाम कब लेगा, नाम भी नहीं ले पाएगा। हाँ जी, कृपा तो है, सभी जीवों के ऊपर कृपा है, लेकिन पापी कैसे भक्ति पथ पर आएगा, ये प्रश्न है। एग्जैक्टली, वो पापी भक्त बन पाएगा, भक्ति पथ पर आ पाएगा, एक माध्यम है, क्या है? साधु संग। अगर साधु संग करेगा तो भक्ति के पथ पर आ पाएगा, इसलिए बताते हैं। नेक्स्ट श्लोक बताते हैं, न तथा हि भगवान राजन पुयेत तपादिभि यथा कृष्ण अर्पित प्राणस्तत्पुरुष निसेवया। कितना सुंदर बात बताते हैं, न तथा हि भगवान राजन, हे राजन, यहाँ व्यक्ति का जितना पाप है वो बिल्कुल नहीं धुलेगा, वो शुद्ध नहीं हो पाएगा, दूसरा उपाय से वो शुद्ध नहीं हो पाएगा। पुएत तप आदि भी, जितना भी साधन हो सकता है, तप आदि भी, तप करो, दान करो, पुण्य करो, यज्ञ करो, तीर्थ भ्रमण करो, जो भी कार्य करो, ये सभी कार्यों से उतना धुल नहीं पाएगा, उतना शुद्ध हो नहीं पाएगा जितना भक्ति में होगा। और भक्ति कैसे करेगा? इसलिए जो भक्ति किए हैं, जो भक्ति पथ पर है, जो भक्त है, उनका संग करना चाहिए। इसलिए बताया गया है, यथा कृष्ण अर्पित प्राण, जो कृष्ण के पास अपने प्राण को अर्पण कर चुके हैं उनको पकड़ करके चलना चाहिए। तब पुरुष निसेवया, मतलब उनके भक्त को क्या करना चाहिए, पकड़ करके चलना है। पकड़ करके चलना चाहिए मतलब क्या, उनको छोड़ेंगे नहीं, बस पकड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं ऐसा सोचेंगे नहीं, पकड़ करके चलना चाहिए मतलब उनके संग करना चाहिए। उनसे हमको शिक्षा जो मिलता है, वो शिक्षा को अगर हम पकड़ करके चलेंगे तो भक्ति पथ पर हम चल पाएंगे। इसलिए साधु संग से ही एक आदमी भक्ति पथ पर आ सकता है। आज हम वहां भी चर्चा कर रहे थे ना, बिनु सत्संग विवेक ना होई। सत्संग बिना विवेक नहीं आएगा, सत्संग बिना भक्ति में कोई प्रगति नहीं कर पाएगा, और सत्संग बिना कुछ भी कल्याण नहीं है।
तो इसका डायरेक्ट बताते हैं, आज जो भी भक्त बन चुके हैं, जो सब शुद्ध भक्त है, ये हम जैसे छोटे भक्त के बारे में नहीं बताया गया, जो शुद्ध भक्त है वो भी भक्ति पथ पर कैसे आए हैं, भक्त के संग के कारण, मतलब भक्तों के संग करने के बाद ही उनको भक्ति पथ पर आना इतना आसान हो गया और वो भक्ति पथ पर टिक कर रह गए हैं, शुद्ध भक्त बन गए हैं। वो स्वयं तुलसीदास लिख रहे हैं, कौन बन देखिए कितना सुंदर बात बताते हैं, वाल्मीक नारद घट जोनी निज निज मुख नि कही निज होनी। वाल्मीकि नारद भट्ट जोनी अवस्थे ये सब बता रहे हैं, हम आज ऐसे बड़े भक्त हो गए कैसे, भक्तों के माध्यम से, भक्तों के संग से। वाल्मीकि आज इतना बड़ा भक्त हो गए कैसे, भक्ति संग करने के बाद ना, कौन से भक्त के संग किए थे वो, पहले उनका स्थिति कैसा था, वो तो दस्यु थे, बकैद थे, उनका नाम अगर कोई सुनता था तो वो जिधर रहते थे उस रास्ते पर जाने के लिए लोग को भय लगता था, उधर कोई नहीं जाता था, लेकिन वो परिवर्तन उनका हो गया, आज रत्नाकर से वो वाल्मीकि हो गए, कैसे हो गए, साधु संग से। वाल्मीकि नारद देखिए, वाल्मीकि भक्त हो गए, रत्नाकर भक्त हो गए, नारद की संग करते हुए, नारद कैसे भक्त हुए, नारद का पहला जन्म आप देखेंगे, नारद थे दासी के पुत्र, वो भी भक्त बन गए कैसे, साधु संग, साधु संग से उनको भी इस तरह पर वो आ गए, जो दासी के पुत्र थे वो जहां रहते थे वहां बहुत सारे साधु आए थे, एक बार चतुर्मास के समय बहुत सारे साधु आए थे, उन्होंने उनकी माँ साधु की सेवा कर रही थी और साधुओं से वो कथा सुन रहे थे, उनकी माँ सुन रही थी वो भी सुन रहे थे, और उनकी माँ साधुओं को पूछ करके साधुओं से आज्ञा लेकर वो उनके प्रसाद ले रहे थे, उनके उचित को सेवन कर रहे थे, संग कर रहे थे, संग मतलब कथा सुन रहे थे, भगवान के बारे में सुन रहे थे, ये है साधु संग। तो धीरे 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 देखिए वो जो दासी पुत्र थे वो भी बन गए नारद जैसे महात्मा, इसीलिए साधु संग को बहुत शास्त्र बहुत ग्लोरीफाई किया गया है, साधु संग से क्या क्या होता है ये बताते हैं, मति कीरति गति भूति भलाई जब जही जतन जहां जही पाई। साधु संग से क्या क्या परिवर्तन हो जाता है, मति अपना मति परिवर्तन हो जाता है, कीरति कीर्ति बहुत सुंदर कीर्ति आ जाता है, नहीं तो देखिए दशरथ नगर को लोग निंदा करते थे, गाली करते थे, है कि नहीं, आज कोई गाली करेगा वाल्मीकि को, जिस आदमी को गाली कर रहे थे पहले उस आदमी को सभी लोग आज प्रणाम कर रहे हैं, कोई नहीं सोचता है नहीं ये दशरथ नगर थे हम उनको प्रणाम नहीं करेंगे, हम उनको सम्मान नहीं देंगे, ऐसा कोई सोच सकता है नहीं। कीर्ति मति कीरति गति उनका सुंदर गति होता है, भूति विभूति बहुत सुंदर विभूति उनको मिलता है, भलाई सब कुछ कल्याण होता है अगर कोई साधु संग करता है, मति कीरति गति भूति भलाई जब जही जतन जहां जही पाई, मतलब अगर किस जगह पर किधर अगर किसका कोई कल्याण हो सकता है तो साधु संग से ही हो सकता है, और वो बता रहे हैं साधु संग के बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है। देखिए कितना सुंदर बात बताते हैं, सो जानव सत संग प्रभाव लोक हो वेद नान पाओ, सो जानव सत्संग प्रभाव, उनको मालूम है सत्संग का प्रभाव कैसा होता है, सो जानव सत्संग प्रभाव लोक हो वेद नान पाओ, मतलब इस लोक में और वेद में शास्त्र में भी दूसरा कोई उपाय नहीं दिया गया है, अगर हमको शुद्ध होना है अगर हमको सही रास्ते पर चलना है तो क्या करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए, साधु संग से ये मति गति कीर्ति भूति भला ये सब कुछ बदल जाएगा, ये सही है। जैसे कहा जा सकता है आज जो शराबी हो गया है वो क्या अपने आप शराबी हो गया, किसका संग करते हुए तो उनका ऐसा स्थिति हो गया ना,
जो शराबी बन गया आज, पहले उनका स्थिति कैसा था? वो जब शराब के बोतल को देख रहा था उस समय उनको भय लग रहा था, अरे ऐसा पी अगर पी लूंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उनका एक दोस्त उनको क्या बोलते हैं प्रॉम्प्टिंग करते हुए चला, नहीं चलो चलो कुछ नहीं होगा, चलो मैं तुमको मदद करूंगा, अगर तुम इधर गिर जाओगे तो मैं उठाकर घर में छोड़ दूंगा। देखिए उनका ऐसा बहला फुसला कर ऐसा संघ उनको प्रदान किया, वो संघ करते करते वो बिल्कुल शराबी बन गए। जो पहले शराब के बोतल को देखते उनको भय लग रहा था, बाद में पक्का शराबी बन गया। कैसे? संघ के प्रभाव से हुआ कि नहीं? तो अगर गलत चीज हम पकड़ सकते हैं संघ के प्रभाव से, तो सही चीज को क्यों नहीं पकड़ पाएंगे? तो संघ के प्रभाव से गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है। अगर गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है तो भक्ति क्यों नहीं हो सकता है? यही पकड़ना चाहिए, तो भक्ति भी हो सकता है। ये बात मैं भी नहीं कर रहा हूं, कौन बोले? सुखदेव सिंह बोल रहे हैं। इसलिए न तथा भगवान राजन पुएत तपाधिवी जथा कृष्णार्पित प्राण तत्पुरुष निसेवया। इसलिए क्या करना चाहिए? जथा कृष्णार्पित प्राण, जो कृष्ण के पास अपने प्राण को अर्पण कर चुके हैं, पहले हम उनके पास जाना चाहिए, उनको हम प्राण अर्पण करना चाहिए। और उनके प्रभाव से मतलब उनके जो शिक्षा से हमारा भी ये कल्याण होगा, हम भी भक्ति को पकड़ पाएंगे। तो भक्ति का ऐसा फल है, और अगर भक्ति पथ पर आ जाएंगे तो क्या होगा? सुखदेव गोस्वामी कौन सी बात पर ये बात बता रहे हैं? अगर कोई भक्ति पथ पर आ जाता है तो उनका क्या होता है? सभी पापों से उनको छुटकारा मिल जाएगा। ये बात बताने के लिए तो ये बात बता रहे हैं ना, सभी पापों से उनको छुटकारा मिल जाएगा, सभी पाप धुल जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए? साधु संग करना चाहिए। और भक्ति सबसे आसान सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, ये बताएंगे दो श्लोक में। सदृचिनो हि अयम लोके पंथाखेम कुत भय सुशील साधव जत्र नारायण परायण। बहुत सुंदर बात बताते हैं। सदृचिनो श्रेष्ठ मार्ग है, भक्ति मार्ग है श्रेष्ठ मार्ग। सदृचिनो हि अयम लोके, इस लोक में सबसे श्रेष्ठ सबसे अच्छा अगर कोई काम है तो वो है भक्ति, श्रेष्ठ मार्ग है, श्रेष्ठ साधन है। सदृचिनो ही अयं लोके पंथा खेम अकुत भय, खेम मंगलकारी सब कुछ मिल सकता है। भक्ति भक्ति पथ पर सब कुछ मिल सकता है। क्या चाहिए आपको जरा बताइए? अगर किसको कुछ चाहिए तो भक्ति कीजिए, मिलेगा, विश्वास होना चाहिए। आज नहीं मिल सकता है लेकिन समय आगे मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्योंकि कहावत ऐसा है, शायद हिंदी में भी हो सकता है, मालूम है, भगवान के घर देर है लेकिन इसका अर्थ क्या है? एग्जैक्टली, हम अगर हमको कुछ चाहत हमारा है, हम कुछ चाहते हैं तो भगवान को मांगना चाहिए ना, भक्ति करना चाहिए ना। हो सकता है भगवान देर में देंगे लेकिन अंधेर नहीं देंगे, जरूर देंगे। भक्ति करना चाहिए, भगवान दिए हैं, भगवान देने के लिए भगवान के पास क्या नहीं है जरा बताइए? सब कुछ है। आज हम चर्चा कर रहे थे वहां संसार में सृष्टि में जो कुछ देखते हैं हम, सब तो भगवान का ही है ना। वो चाहेंगे हमको कुछ देने के लिए नहीं दे पाएंगे, सब कुछ दे पाएंगे। हमको भक्ति करना चाहिए ना, इसलिए बताया गया सद्विचनो ही अयं लोके पंथा खेम अपुत भय। और भक्ति में कोई भय नहीं है, भक्ति पथ पर कोई भय नहीं है। मतलब वहां जो दूसरा पथ बताया गया कर्म ज्ञान, ये जो पथ बताया गया इसमें भय है, भक्ति पथ पर भय नहीं है। जैसे कर्म पथ पर भय है, भय मतलब वो सब क्षणस्थाई है, हम जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म का फल हमको भोगना पड़ेगा, वो क्षणस्थाई है, भय है। हम आज जो पुण्य कर रहे हैं वो पुण्य फल हमको भोगना पड़ेगा, वो हम आज जो कुछ भोग रहे हैं, जो कुछ चल रहा है हमारे जीवन में, जो कुछ आ रहा है चल रहा है सब कुछ, ये पहले का कर्म के फल हम भोग रहे हैं। अभी कर्म कर रहे हैं दोबारा दूसरे जन्म के लिए, हम भोगने के लिए, बस वो पाप हो पुण्य हो जो कुछ हो। लेकिन भक्ति ऐसा नहीं, जो भक्ति कर रहे हैं वो भगवान के करीब करीब जाते हैं। जैसे जैसे हम उस दिन ही बता रहे थे, जैसे भगवान को पाने के लिए 100 स्टेप है, अगर कोई भक्ति करता है तो भक्ति पथ पर अगर वो चलता है, हो सकता है वो परिपूर्णता प्राप्ति नहीं कर सकता है लेकिन एक दो स्टेप तो जाएगा ना, जितना स्टेप जाएगा उतना स्टेप फिक्स है, वो
घटेगा नहीं, वो कभी नष्ट नहीं होगा। लेकिन पुण्य ऐसा नहीं। आज वहाँ एक एग्जाम्पल मन में आया था, जैसे यहाँ कोई ग्रेजुएशन किया है, नेक्स्ट लाइफ में क्या वो ग्रेजुएशन के बाद से पाठ पढ़ेगा, वो फिर से शुरू से पाठ पढ़ेगा, है कि नहीं? अगर कोई मैट्रिकुलेशन तक पढ़ा है, जब दूसरा जन्म उनको मिलेगा, क्या वो डायरेक्ट जाकर कॉलेज में ज्वाइन होगा? क्या करेगा? फिर से शुरू से। संसार का सब मार्ग ऐसा ही है, लेकिन भक्ति ऐसा नहीं। भक्ति मार्ग कैसा मालूम है? जितना स्टेप हो गया बस फिक्स। इसलिए खेम अकुत भय, इसमें भय नहीं है, ये नष्ट होने वाला नहीं है। जैसे लोग सोचते हैं हम गीता पढ़ते हैं, अगर आज गीता नहीं पढ़ेंगे तो दोष लगेगा, नहीं कुछ भी नहीं। जो हम कर चुके हैं ना, जो हम कर रहे हैं, उसका कोई क्षय नहीं होने वाला है। आज गीता पढ़ रहे हैं, अगर किस दिन हम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कोई क्षति नहीं है, कोई हानि नहीं है। जितना पढ़ लिया है वो फिक्स हो गया, वो क्या बोलते हैं, जैसे परमानेंट बैलेंस, वो क्षय होने वाला नहीं है। कितना शुद्ध, कितना आसान, कितना सरल और कितना सुरक्षित मार्ग है भक्ति मार्ग। देखिए जैसे हम मकान बना रहे हैं, एग्जाम्पल देने से पता चल जाएगा। जैसे कोई मकान बनाने के लिए जा रहा है, पहले क्या करेगा? मकान बनाने से पहले क्या करेगा? फाउंडेशन करेगा। फाउंडेशन क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या होगा? ठीक है, फाउंडेशन बनाएगा ना, पहले फाउंडेशन बनाएगा। फाउंडेशन बनाने के बाद फिर क्या करेगा? दीवार खड़ा करेगा या फिर पिलर खड़ा करेगा, ऐसा कुछ कर दिया। बाद में उनका धन खत्म हो गया, अगर उनका धन खत्म हो गया तो काम वहीं पर स्थगित हो गया कि नहीं? काम तो रुक गया ना। जब उनके पास दोबारा धन किधर से आ जाता है तो वो फिर से क्या करता है? वो काम को शुरू करता है कि नहीं? कैसे शुरू करता है? क्या बिल्कुल सब तोड़कर फिर से शुरू करता है? क्या फिर से फाउंडेशन करता है, सब तोड़कर उठाता है, सब कुछ फिर नए तरीके से करता है? क्या कैसे करता है? जिधर रुक गया था वही से चालू करता है कि नहीं? है कि नहीं? भक्ति ऐसा है। जरा सोचिए भक्ति मार्ग कितना सुरक्षित है। इसलिए आज मैं माता जी को बोल रहा था सुबह प्रसाद लेते समय, भक्ति मार्ग कैसा है? भागवतम द्वादश स्कंध में ऐसा बताया गया है, सुखदेव उसे बताएंगे। जन अस्थाय नर राजन न प्रमादेत कहिचित, धाव निमिल्यवा नेत्रे न पतेत न स्खलेति। यह भक्ति मार्ग इतना सरल है, इतना सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई भय नहीं। न पतत न स्खलित, इसमें पतन नहीं और स्खलन भी नहीं। धाव निमिल्यवा नेत्रे, अगर आंख बंद करते हुए अगर कोई दौड़ता है तो भी कोई हानि नहीं। मतलब भक्ति मार्ग ऐसा है, जरा सोचिए कितना सुंदर मार्ग है। इसीलिए देखिए कौन बता रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। सद्विजनो ही अयं लोके क्षेम पंथा उपत भय, इस लोक में सबसे श्रेष्ठ मार्ग है भक्ति मार्ग। इसलिए भक्ति मार्ग पर जो जाते हैं, कि कौन लोग जाते हैं? सुशील साधव जत्रो नारायण परायण, इस मार्ग पर सुशील साधु ये सब जाते हैं जो नारायण परायण है, जो भगवान के भक्त हैं। ये सुशील साधु लोग भक्ति पथ पर चलते हैं। और भक्ति को छोड़कर दूसरा जो मार्ग है प्रायश्चित के लिए, अगर दूसरा कोई मार्ग को पकड़ता है, भक्ति को मतलब भगवान को छोड़कर अगर कोई दूसरा मार्ग पकड़ता है तो वो मार्ग कैसा है, इसके बारे में बता रहे हैं। प्रायश्चितानि चिन्नानि नारायण परम मुखम न निष्णुनन्ति राजेन्द्र सुरा कुम्भैवापगा। बहुत सुंदर बात बताते हैं। प्रायश्चितानि चिन्नानि, अगर कोई दूसरा प्रायश्चित करता है, जितना भी हो सकता है वो बहुत सुंदर प्रायश्चित कर सकता है, लेकिन अगर नारायण परम मुखम, ये बंद हो गया, लगा दीजिए। प्रायश्चितानि चिन्नानि नारायण परम मुखम, चिन्नानि बहुत सुंदर भाव से वो अनुष्ठान कर सकता है, दूसरा प्रायश्चित को बहुत सुंदर भाव से वो कर सकता है, लेकिन अगर नारायण परम मुखम, भगवान को विमुख होकर जो भी प्रायश्चित करता है तो वो शुद्ध फल उनको नहीं मिलेगा। मतलब कर्म प्रायश्चित हो सकता है, ज्ञान प्रायश्चित हो सकता है, जो भी हो सकता है। भक्ति को छोड़ करके, सुखदेव उसने बता दी, भक्ति को छोड़ करके दूसरा प्रायश्चित में फुल क्या बोलते हैं, संपूर्ण फल नहीं मिल सकता है अगर भगवान को छोड़ देंगे।
नारायण परान मुखम, भगवान को छोड़ करके भगवान से विमुख होकर अगर कोई दूसरा मार्ग को पकड़ता है तो उतना शुद्ध नहीं हो पाएगा। कैसे बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, सुरा कुंभम इव अपगा। सुरा कुंभम मतलब जिस मिट्टी के घड़ा में अगर शराब डाल दिया गया, मिट्टी के घड़ा यूज होते हैं खास करके यज्ञ समय में, जब शुद्ध काम सब होते हैं यज्ञ समय में मिट्टी का घड़ा सब यूज होते हैं कि नहीं। अगर वो मिट्टी के घड़े में अगर कोई शराब रख दिया तो देखिए गंगा कितना पवित्र है, गंगा में कोई अगर जाकर कुछ धुलता है तो वो पवित्र हो जाता है, पानी में धोने के बाद सब कुछ पवित्र हो जाता है। लेकिन जिस मिट्टी के घड़े में अगर शराब रखा गया है वो घड़ा को अगर गंगा में भी धोए तो भी पवित्र नहीं होगा। सूर्य उसे बता रहे सुरा कुंभम इव अपगा, जल में गंगा में अगर सुरा कुंभ को मिट्टी से भरा हुआ शराब से भरा हुआ अगर मिट्टी के पात्र को लेकर धोकर भी हम लाएंगे फिर वो यज्ञ कार्य के लिए वो यूज नहीं होगा। उसी तरह भगवत विमुख होकर अगर कोई दूसरा प्रायश्चित करता है तो उनका प्रायश्चित सही नहीं है। इसलिए सिर्फ एक ही प्रायश्चित है, कौन सा प्रायश्चित? भक्ति प्रायश्चित। भक्ति को छोड़ करके जितना फल देखिए, एक ऐसा भी एग्जाम्पल से पता चल जाएगा, जैसे हम ब्लैक बोर्ड पर 0000 लिखते हैं, अगर 2 जीरो लिखेंगे तो 2 जीरो का मूल्य क्या है, अगर 4 लिखेंगे, अगर 10 लिखेंगे, क्यों हम 2 जीरो बढ़ा रहे हैं, क्यों मूल्य क्यों नहीं? देखिए हम जितना बढ़ा रहे हैं उसका मूल्य कुछ भी नहीं है, लेकिन पहले अगर एक लिख देंगे, एक डिजिट कोई भी डिजिट अगर लिख देंगे तो क्या होगा, जिस जीरो का कुछ मूल्य नहीं था सभी जीरो का मूल्य कितना होगा, एक एक जीरो का मूल्य 10 times ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है नहीं? जिस जीरो का मूल्य कुछ ही नहीं था क्योंकि पहले एक रख दिए, ये पहले एक, ये एक क्या है, ये भक्ति। अगर कोई भक्ति करता है तो उनका सब कुछ शुद्ध हो जाता है। भक्ति करना चाहिए, भक्ति करने से सब कुछ शुद्ध होगा। अगर भक्ति नहीं करते हैं दूसरा जो भी करते हैं वो हमारे लिए बंधन होगा। उस दिन हम चर्चा कर रहे थे माता जी याद आया, हम अगर उसका किसका सेवा करेंगे, किसका किसको दान करेंगे, वो जो भी करेंगे अगर भक्ति पथ पर आकर नहीं करेंगे तो पुण्य हो जाएगा, यहाँ बताया गया। इसलिए भक्ति पथ पर आकर कुछ करना चाहिए, इसे क्या होगा, पूर्ण फल मिलेगा। यहाँ ये बताया गया है। अच्छा अभी बताएंगे, ठीक है, अगर भक्ति पथ पर आकर ऐसा करेंगे तो ऐसा हमको पूर्ण फल मिलेगा। पूर्ण फल मिल सकता है, लेकिन एक ऐसा प्रश्न भी मन में आ सकता है, ठीक है भक्ति पथ पर आकर ऐसा करने से अगर पूर्ण फल मिलता है तो कितना भक्ति करना चाहिए? इतना 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 कितना कोई बता सकता है? मतलब कितना भक्तिमान होने के बावजूद, मतलब भक्तिमान होने से सभी पाप धुल जाएगा ये तो बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, तो कितना भक्तिमान होना चाहिए? पूर्ण भक्तिमान होने से भक्ति पथ पर आएंगे तब धुल जाएगा या फिर थोड़ा सा भक्ति करने से भी धुल जाएगा, कहने का तात्पर्य है अनन्य भक्ति। अच्छा होता है वो अनन्य भक्ति कितना, मतलब कहने का तात्पर्य है भक्ति पथ पर बिल्कुल शीर्ष पर हम पहुंचने के बाद ये सभी पाप धुलेगा या फिर भक्ति शुरू करने से पाप धुल जाएगा, कहने का तात्पर्य है। इसलिए देखिए बता रहे हैं स्वल्पम अपि, स्वल्प भक्ति करने से भी ये बता दें स्वल्प भक्ति पुनाति ही, स्वल्प भक्ति अति स्वल्प भक्ति अगर हम करते हैं तो भी जीव पवित्र हो जाता है। स्वल्प भक्ति थोड़ा सा भक्ति, देखिए हिंदी उड़िया बोलते हैं ना, ठीक है, और थोड़ा सा भक्ति करने से भी जीव शुद्ध हो जाता है, सभी पाप धुल जाते हैं। कैसे वो बता रहे हैं, सकृत मन कृष्ण पदार बिंदयो निवेशित तत्गुण रागी जय जय,
कितना बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। सकृत, सकृत का मतलब देखिए प्रभुपाद क्या लिखे हैं, एक बार अगर कोई करता है ऐसा, सकृत क्या करना है, मन कृष्ण पदार बिंदु, मन को अगर कृष्ण के पदार बिंदु में स्थिर करना है, हम कर पाते हैं, करते हैं करते हैं कि नहीं, कोई नहीं बोलता कुछ, कोशिश करते हैं। अच्छा ठीक है, अगर एक बार भी भगवान के चरण कमल पर अपना मन को स्थिर कर दिए हम, सकृत मन कृष्ण पदार बिंदु निवेशित तत् गुणराज विजय, ठीक है वो तो उनको भरण कीजिए, निवेशित तत् गुणराय की चाहिए, भगवान के गुण को श्रवण करने से, भगवान के लीला को श्रवण करने से, अगर भगवान के पास हमारा मन चला जाता है, सकृत मन कृष्ण पदार बिंदु निवेशित तत् गुणराय की चाहिए, क्या बोलते हैं, नदे जमो पास वृतश्च तत् भटान स्वप्ने अपि पश्यन्ति हि चिन्न निष्कृतान। अगर एक बार भी वो भगवान का भक्ति करता है, भगवान का भक्ति कर दिया है, देखिए सुखदेव गोसाई, इसका मतलब नहीं कि हम सिर्फ एक बार ही करेंगे बाकी हम भक्ति छोड़ देंगे, इसका मतलब ऐसा नहीं है। आजकल लोग क्या समझेंगे, आजकल लोग सब कॉम्प्रोमाइज ही करेंगे, कैसे हमको कुछ करना ना पड़े, बस ऐसा लोग सोचेंगे, कुछ नहीं करेंगे सब कुछ पाने के लिए प्रयास, मतलब अंतर में कामना रहे, हम कुछ करेंगे नहीं लेकिन हमको सब मिले, ऐसा सब चाहते हैं ना, नहीं हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत को बतला रहे हैं, अगर कोई एक बार भी भगवान की भक्ति करता है, जैसे हम भगवान के नाम करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे, सकृत हरे, एक बार अगर कोई ऐसा भगवान का नाम करता है तो क्या होगा, परीक्षित महाराज का क्या प्रश्न था, मैंने बोला था ना याद रखना चाहिए, क्या प्रश्न था परीक्षित महाराज का, कैसे व्यक्ति को नरक नहीं जाना पड़े, आप ये बात मुझे बतलाइए, ये था उनका जिज्ञासा। अभी सुखदेव गोसाई क्या बोल रहे हैं, देखिए अगर सकृत एक बार अगर कोई भगवान का नाम करता है, भगवान का भक्ति करता है, भगवान के चरण कमल पर अपना मन को स्थिर कर देता है, तो क्या होगा, नरक जाना छोड़ दीजिए, नौते जम पास भूतस्य तद् भटान स्वप्न भी पश्यन्ति, स्वप्न में भी वो तीन चीज को नहीं देखेगा, नरक जाना तो दूर की बात है कि नहीं, स्वप्न में भी तीन चीज को नहीं देखेगा, क्या क्या, एक है यम, दूसरा है यमदूत, तीसरा है यम पास, ये तीन को स्वप्न में भी नहीं देखेगा, और क्या होगा, चिन्न निष्कृता संपूर्ण प्रायश्चित हो जाएगा, एक बार अगर कोई भक्ति करता है, स्वप्न भक्ति पुनादि, अगर कोई एक बार ऐसा भक्ति करता है तो उनका सभी पाप धुल जाएगा, वो तो नरक नहीं जाएगा, नरक जाना तो छोड़िए, वो स्वप्न में भी ये तीन चीज को नहीं देखेगा, यमराज यमदूत और जम पास। ये जब सुने परीक्षित महाराज हैरान हो गया, ऐसा हो सकता है, आपको विश्वास हो रहा है, ऐसा हो सकता है, हाँ? अगर कोई हम भक्ति करेंगे, ऐसा भक्ति पथ पर आ जाएंगे, थोड़ा सा भक्ति करेंगे, एक बार नाम कर देंगे, नरक नहीं जाना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है, हो सकता है दिनेश प्रभु, किशोर प्रभु, हो सकता है, शास्त्रों में है ना, शास्त्रों में है तो इसलिए तो हमको विश्वास करना चाहिए, सुखदेव सिंह बोल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बस एक ही बार करेंगे बाकी छोड़ देंगे, नहीं, ये भी हम सुनेंगे आगे, नहीं तो हम इसमें प्रसन्न हो जाएंगे, हाँ मैं एक बार कर दिया बस हो गया, मैं आज एक बार कर दिया, या फिर जीवन में एक बार कर दिया हो गया मेरा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए हमको बार बार करना चाहिए। हम एक ऐसा प्रश्न आ सकता है किसके मन पर, ठीक है अगर यहाँ बताया गया है एक बार नाम करने से, एक बार भक्ति करने से सभी पाप धुल जाता है, तो हम बार बार क्यों करते हैं, ये प्रश्न मन में रहने दीजिए, इसका समाधान हम आगे सुनेंगे, किस दिन सुनेंगे पता नहीं, लेकिन आगे आएगा, आगे आएगा, शास्त्र में ऐसा वर्णन आएगा, जब नाम की महिमा के बारे में हम सुनेंगे तब वहां हम सुनेंगे कि हम बार बार क्यों करते हैं, एक बार करने से तो सब चला जाता है पाप, फिर बार बार करने के लिए हमको क्यों ऐसा निर्देश शास्त्र में दिया गया है,
तो पाप करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए, करना तो चाहिए, हम सुनेंगे। ठीक है, आज कथा यहाँ पर विराम देंगे या फिर कुछ समय चलाएंगे आपके ऊपर? चलाएंगे थोड़ा। चलाओ, ठीक है चलाएंगे, लेकिन एक शर्त भी है, यहाँ सभी सेवा करना चाहिए ना, सभी कथा सुनकर हम आनंद लेते हैं, लेकिन भगवान की सेवा भी करने से जो सेवा रहता है वो कम समय में खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक बस ऐसे ही नाम करना, भगवान की सेवा करना, भगवान की पूजा करना, भगवान के पास समर्पित हो जाना, ये सुखदेव गोस्वामी ये बात बता रहे हैं। सकृत एक बार अगर मन को भगवान के चरण कमल पर स्थिर कर देता है, तो भगवान का नाम लेते हुए हो, भगवान का सेवा करते हुए जो भी हो, अगर मन को भगवान के चरण कमल पर स्थिर करता है, कम से कम यहाँ तो नाम के बारे में हम चर्चा करेंगे, नाम के बारे में बताया गया है, तो नाम करने से कैसे भक्ति का फल मिलता है और कैसे सभी पाप से हमको छुटकारा मिल जाता है, इसके बारे में हम सुनेंगे। तो इससे जब ये बात परीक्षित महाराज सुने, तुरंत परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है जैसे आपने अभी पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है? तो इसको समझाने के लिए एक प्रमाण के तौर पर बताएंगे अजामिलचरित, जो हम कल सुनेंगे। अजामिल के बारे में हम कल से सुनेंगे, लेकिन कैसा सुंदर उपाय, कैसे सुंदर बताएंगे। देखिए, बस एक एक चीज सुनकर हम कथा को विश्राम देंगे। सुखदेव गोस्वामी अभी बताएंगे, ठीक है परीक्षित सुनिए, भगवान के चरण कमल पर मन लगाने का फल क्या है, भक्ति पथ पर आने का फल क्या है, कैसे बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं। अत्रं च उदाहरन्ति इतिहासं पुरातनं दूतानं विष्णुजमयो संवादस्तं निबोधमे, अभी बता रहे हैं। अत्रं च उदाहरन्ति, इसके उदाहरण मैं दे रहा हूं, सुनिए। ये उदाहरण क्या है, बोलते हैं इतिहासं पुरातनं, एक इतिहास, एक पुरातन इतिहास है। इतिहास मतलब कोई काल्पनिक चीज नहीं है, ये सही बात है, सच बात है। इतिहास किसको कहा जाता है मालूम है? इतिहास मतलब क्या है? इतिहास शब्द ये संस्कृत शब्द है। इतिहास का अर्थ क्या है? इति हा अस, इसका संधि विच्छेद है। इति मतलब इस तरह, हा मतलब निश्चित रूप से, अस मतलब हुआ था, इसको कहते हैं इतिहास, मतलब इस तरह हुआ था, निश्चित रूप से हुआ था। जैसे हम अभी बहरीन म्यूजियम को जाएंगे तो बहरीन के बारे में इतिहास वहां पता चल जाता है, मतलब वहां ऐसा हुआ था, इतिहास है। तो ये भी जो बताएंगे, जो अजामिलचरित हम सुनेंगे, ये तो सुनेंगे, लेकिन क्या बता रहे हैं? अत्रं च उदाहरन्ति इतिहासं पुरातनं, एक पुरातन इतिहास के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। वो नहीं बता रहे हैं कि मैं अजामिल के बारे में बताऊंगा, देखिए क्या बताते हैं इस श्लोक में, बहुत सुंदर बताते हैं। दूतानं विष्णुजमयो संवादस्तं निबोधमे, दो दूत, दो गोष्ठी की दूत, दूत समझते हैं ना, जो दूत हिंदी में दूत ही होगा, दूत, यम दूत, विष्णु दूत, ये दूतानं विष्णुजमयो, विष्णु दूत और यम दूत के बीच में जो वार्तालाप हुआ था, संवाद, ये संवाद में कहने के लिए जा रहा हूं, सुनो। तो विष्णुदूत और जमदूत के बीच में जो संवाद हुआ था, ये संवाद से हमको पता चल जाएगा कि एक बार भगवान के पास मन लगाने का फल क्या होता है, कैसे व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, कैसे उनका सभी पाप धुल जाता है। तो इस संवाद जो बताएंगे, इस संवाद का मुख्य पात्र कौन है? मुख्य पात्र है अजामिल। लेकिन एक ऐसा प्रश्न आ सकता है, अभी जो संवाद बताने के लिए जा रहे हैं, एक ऐसा प्रश्न सभी के मन में भी आएगा, आ सकता है, आना चाहिए भी, क्या है? विष्णुदूत और यमदूत कैसे मिले? संवाद हुआ मतलब वो मिले, कैसे मिले, किधर मिले, क्यों मिले, क्या संवाद हुआ, ये अगले जितने दिन है हम सुनेंगे, कल से हम ये सुनेंगे। तो आपसे निवेदन है, सही समय पर आइएगा और प्रेम से बात सुनिएगा। क्या बोलते हैं आपने बताया था, एक बार ने भगवान का नाम लिया है या सेवा किया है तो यमपाश यमदूत यमदूत
और यमराज तीनों का दर्शन नहीं होगा, पर अजामिल का कथा जो बताएंगे तो उसमें उन्होंने इससे हमको शिक्षा देने के लिए अजामिल के बाद ऐसा नियम हो गया अजामिल के बाद ऐसा नियम हुआ कि अगर ऐसा कोई करता है तो उनको पास नहीं जाना चाहिए। यमराज अपने दूध को ऐसे नियम दे दिए, ये हम सुनने से पता चल जाएगा। ठीक है।